हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी गॉसिप, जहां मैं आपके साथ शेयर करती हूं कई सारे ब्यूटी टिप्स, हेयर केयर टिप्स, साथ ही बहुत सारी आसान डीआईवाई और होममेड रेमेडीज़ भी। कॉफ़ी फेस पैक बनाने के लिए आपको चाहिए एक चम्मच कॉफ़ी। आप कोई सी भी कॉफ़ी ले सकते हैं, मैं यहां पे नेस्कैफे की कॉफ़ी ले रही हूं। और अगर आपको लगता है कि आपके फेस के लिए एक चम्मच इनफ नहीं है तो आप इसकी क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। मेरे फेस के लिए ये वाला एक चम्मच कॉफ़ी का काफ़ी होता है, तो मैं इसलिए एक चम्मच यहाँ पे कॉफ़ी ले रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ग्लिसरीन। आपको पता ही है ग्लिसरीन जो है एक नेचुरल मॉइस्चराइजर के रूप में काम करता है, जो स्किन को ड्राई होने से रोकता है। तो मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉप ग्लिसरीन के ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो आप ग्लिसरीन अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको कोई एलर्जी है तो। उसके बाद मैं क्या कहते हैं फेस पैक को लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे गुलाब जल का यूज़ कर रही हूँ। गुलाब जल आप जानते हैं एक नेचुरल टोनर के तौर पे स्किन के लिए काम करता है। अगर आप चाहें तो गुलाब जल को अवॉइड करके इसमें दूध ऐड कर सकते हैं, और जितना आपको लगे कि आपको जितना इसकी कंसेंट्रेशन को पतला या गाढ़ा रखना है, आप उस हिसाब से यहाँ पे अपने गुलाब जल छोड़ के इसमें दूध डाल सकते हैं। दूध भी एक अच्छा ऑप्शन है फेस पैक के लिए। मैं यहाँ पे गुलाब जल ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे गुलाब जल ज़्यादा अच्छा लगता है कॉफ़ी के साथ, क्योंकि कॉफ़ी फेस पैक के बाद जो इसमें से कॉफ़ी की स्मेल आती है वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं यहाँ पे गुलाब जल ऐड कर रही हूँ ताकि दूध की स्मेल इसमें कॉफ़ी की स्मेल को फेड ना करें, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसमें गुलाब जल का ऐड किया है। आप चाहें तो दूध ले सकते हैं। फिर आप इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। याद रखिए आपको कॉफ़ी तब तक मिक्स करनी है जब तक इसमें कोई लम्स ना रह जाए। तो आपको ये अच्छे से बिल्कुल एक बैटर बनाना है इसका अच्छा सा, ताकि आपके फेस पे बहुत स्मूथली ये लग जाए। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा फेस पैक बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको लगता है कि आपका फेस पैक थोड़ा ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा और गुलाब जल या मिल्क ऐड कर सकते हैं, जो भी आपने यूज़ किया है। और मैं आपको बता नहीं सकती कितना अच्छा बना है, और कि खुशबू जो है वाकई बहुत ही ऑसम फ्रेग्रेंस है इसकी। तो ये देखिए बनके तैयार है। पहले मैं आपको हाथ पे दिखा रही हूँ, फिर उसके बाद अपने फेस पे दिखाऊंगी। तो देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है। ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फेस पैक है, जो मुझे कभी भी अगर मन करता है अपने आप को पैम्पर करने का तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, और ये बहुत ही अमेजिंग इफ़ेक्ट देता है आपके स्किन पर। यकीन मानिए आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस फेस पैक को, आपको इससे प्यार हो जाएगा। तो ये देखिए मैं अपना फेस पैक लगाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मैंने अपना फेस जो है पूरी तरीके से क्लीन कर लिया है, अपने बालों को टाइट कर लिया है, और अब मैं अपने फेस पे फेस पैक अप्लाई करूँगी जो मैंने अभी बनाया है। तो ये देखिए मैंने अपना कॉफ़ी फेस पैक लगाना शुरू कर दिया है। मैं आपको बता दूँ कि कॉफ़ी फेस पैक जो होता है वो काफ़ी अलग अलग तरीके से बनाया जाता है स्किन की अलग अलग प्रॉब्लम के लिए। मैं यहाँ पे जो कॉफ़ी फेस पैक बना के आपको दिखा रही हूँ ये स्किन को टाइटनिंग और ब्राइटनिंग के लिए है। बाकी काफ़ी तरीके से अलग अलग फॉर्म में कॉफ़ी फेस पैक बनाया जाता है, लेकिन उनके अलग अलग बेनिफिट हैं। इस वाले कॉफ़ी फेस पैक के ये बेनिफिट है कि आपके स्किन को टाइट करता है और आपके स्किन को ब्राइट करता है, और काफ़ी अच्छी इसकी खुशबू होती है। जब आप इसे अपने फेस पे लगाएंगे तो आपको एक भीनी भीनी कॉफ़ी की महक आएगी, जो आपको बहुत पसंद आएगी कॉफ़ी की महक, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। और मैं अक्सर जब भी मुझे खुद को पैम्पर करना होता है तो मैं अपना ये फेवरेट कॉफ़ी फेस पैक लगाती हूँ। ये मेरा सबसे फेवरेट फेस पैक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इस फेस पैक को अपने नेक एरिया में भी लगा सकते हैं, और आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा होता है। इससे आपकी स्किन टाइट रहेगी, आपको झुर्रियों की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी स्किन पे एक ग्लो आएगा, ये आपकी स्किन को ब्राइट करेगा। तो आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिए। आई होप ये आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। अगर आपको कोई और सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये था आज की इस वीडियो में, जल्द ही मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।